बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन यमुनानगर के कर्मचारी बैठे भूख हड़ताल पर। अपनी मांगों के चलते धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जताया रोष। बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन यमुनानगर के सभी कर्मचारी द्वारा 16 अगस्त को सामान्य अस्पताल में क्रमिक अनशन व धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जताया गया, जिसमें यमुनानगर जिले के सभी ब्लॉक प्रधान, सचिव, कैशियर व जिला स्तर पर सभी बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भाग लिया। 5 कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल करते हुए सरकार के खिलाफ रोष जताया गया। कर्मचारियों का कहना है कि स्टेट एसोसिएशन द्वारा पत्रों व ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा सरकार को अपनी मांगों से अवगत करवाया गया है, परंतु अभी तक उनकी किसी भी डिमांड को पूरा नहीं किया गया। सरकार द्वारा सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य कर्मचारियों में भारी रोष है। उनकी मुख्य मांगे 9,300 से 34,800 ग्रेड पे 4,200 प्रदान करने, टेक्निकल घोषित करना, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार समान काम व समान वेतन, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार समान काम व समान वेतन प्रदान करना आदि इन सबको लेकर है। उन्होंने कहा कि इनमें किसी भी प्रकार की मांगों की कोई भी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त विभाग में काफी समय से हमारी लंबित पड़ी फाइलों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यदि उनकी मांगों को 26 अगस्त तक लागू नहीं किया गया तो वे आगामी 27 अगस्त से पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसके चलते हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग स्वयं जिम्मेवार होगा। हम बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो हम फील्ड में काम करते हैं। मैं संतोष सैनी, स्टेट कैशियर हूँ MPHE एसोसिएशन की, और ये अंजू शर्मा, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की प्रधान, और ये सुरेश और सेक्रेटरी MPHE एसोसिएशन की। तो जी, हमारी सर बहुत दिन से डिमांड हमारी ग्रेड पे की सरकार से चल रही है। पहले हमने 10/12/2017 को अम्बाला में अपने HM के वहाँ पे भी प्रदर्शन किया था, जब उन्होंने हमारी ये ग्रेड पे वाली मांग मान ली थी। तो जी, उसके बाद हमने जब उसकी फाइलें तैयारी करवाई सारी, क्योंकि हमारी जो 3 डिमांड हैं वो मेन है। एक तो हमारी ग्रेड पे की है कि हमें 4200 ग्रेड पे हमारे कर्मचारियों को दिया जाए, और दूसरी हमारी है कि जो यूनिफॉर्म अलाउंस है, हमारे रेगुलर MPHW फीमेल हैं, जो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला हैं, उनको दिया जा रहा है। एक जो हमारे बीच में NHM की MPSW लगी हुई है फीमेल RCH के तहत, उनको नहीं दिया जा रहा, और जो मेल कर्मचारी लगे हुए हैं उनको नहीं दिया जा रहा। उनकी फाइलें हमने तैयार करवाई हैं कि उनको भी जो यूनिफॉर्म अलाउंस है वो दिया जाए। और तीसरी हमारी FTA की, हमें सरकार फिक्स TA देती है, जो कि हमें 10-10, 20-20 गाँवों में जाना पड़ता है। वो हमारा 500 रुपया था, उसके लिए हमने 1000 MPSW उसके लिए फीमेल के लिए, और मेल के लिए जो MPHS सुपरवाइज़र हैं उनके लिए 2000 की फाइलें तैयार करवाई हुई हैं। जो हमारी फाइलें हैं वो HM साहब ने कर दी हैं। पहले तो हमारे DG साहब ने कर दी, जो हमारे उसके हैं महकमे के, फिर वो उसमें गई ACS सर के पास, वहाँ पे भी हो गई हैं फाइलें। फिर HM साहब के पास गई, उन्होंने भी साइन कर दी। CM साहब के पास गई, उन्होंने भी साइन कर दी, लेकिन वो फाइनेंस में जाके अटक गई फाइलें। फाइनेंस से वो फाइलें निकाल ही नहीं रहे। अब हमारी लड़ाई ये है कि उनको जल्द से जल्द निकाला जाए और उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए। तो उसके लिए हमने एक CMCT में 15 जुलाई को भी प्रदर्शन किया था, और उस प्रदर्शन के टाइम हमें CM सर का जो है टाइम मिला था, 23 जुलाई का टाइम हमें मिला था वहाँ मिलने के लिए। तो जी, हम वहाँ पे OSD साहब हैं भूपेश्वर दयाल जी, हम 23 जुलाई को वहाँ गए थे। तो जी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से हमारी डिमांडों को सुना, और उन्होंने ये भी कहा कि जब महकमा आपको देना चाहता है, HM साहब ने दे दी और CM साहब ने आपके साइन कर दिए, फाइनेंस वालों ने तो बजट पास करना है, तो फिर वो क्यों नहीं दे रहे आपको, उनको देना चाहिए। तो कहते जी, हमें 2 दिन का प्लीज़ आप टाइम दो। हमने कहा सर 2 दिन का छोड़, हम हफ्ते का टाइम देते हैं, हमने आपको टाइम दिया। कहते जी, हम फाइनेंस मंत्री को बुला के आपके जो फाइलें हैं, नोटिफिकेशन है, वो जारी करवा देंगे। अगर ना भी हुई, आपको बुलाना पड़े तो हम आपको बुला लेंगे। तो जी, आप 23 जुलाई के बाद आज का टाइम देख लो आप, आज तक ना तो हमारी नोटिफिकेशन जारी हुई और ना ही हमें वहाँ से उन्होंने बुलाया। तो इस विरोध में हमने क्या किया, हमारे सारे कर्मचारियों में बड़ा रोष है इसका कि हमारी नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए। कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर जो आज हड़ताल पर हैं, और कितने दिन की हड़ताल है हमारी? आज ये 3 दिन की भूख हड़ताल है,
16, 17, 18 और उसके बाद जो 27 से है हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल जाएगी। अगर फिर भी 26 तक हमारी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई, हमारे यहाँ कम से कम 150 कर्मचारी हैं हमारे ज़िले के, वैसे तो सारे हरियाणा के कर्मचारी हैं हमारे, लेकिन जो यमुनानगर के हैं वो 150 के करीब कर्मचारी हैं जो सारे हड़ताल पे हैं हमारे। तो हमारी यही 3 दिन की भूख हड़ताल यहाँ जारी रहेगी और उसके बाद भी अगर ना किया गया तो फिर हम 27 से अनिश्चितकालीन पे बैठ जाएंगे। जो होती है मदर, जो होती है जन्म से लेके मरने तक इंसान के सारा ही काम हमारा है। और ये जैसे मलेरिया फैल जाता है, डेंगू का है और जेई वगैरह का फैल जाता है, सारे हरियाणा के टीकाकरण की जिम्मेवारी, सारी एंटीनेटल्स की जिम्मेवारी, पोस्ट नेटल की जिम्मेवारी, सारी जब से इंसान जन्म लेता है और जब मरता है जब तक की जिम्मेवारी सारी हमारी। जिले को कितना नुकसान है 3 दिन में? ऐसा है जी, जिले को बहुत भारी नुकसान है क्योंकि हमारा टीकाकरण है वो नहीं होएगा। वो एक हमारी जो स्लाइड्स वगैरह हैं जो गांव में मलेरिया फैल रहे हैं, स्लाइड्स हमारे ही कर्मचारी बनाते हैं तो जी उसका है, और जहाँ काम नहीं होगा कोई काम नहीं होगा, फैल रहा डायरिया का काम नहीं होगा, और जहाँ पे कोई मच्छर पनपता है तो वहाँ पे मोटिवेशन करना लोगों को, फील्ड में जा के लोगों के पानी का चेक करना, सारा ही काम हमारा कर्मचारी करता है। तो ये सारा काम जो है टोटली बंद हो जाएगा और 27 के बाद तो अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो जाएगा।